तालिबान कौन है, तालिबान क्या करते हैं, तालिबान नेटवर्क कैसे वजूद में आया, ये कुछ सवाल हर फर्द के जहन में चलते रहते हैं। आज का ये वीडियो इंशाल्लाह इन्हीं सवालों का जवाब होगा। आई मीन वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ तालिबानिज्म। Afghanistan's a country of 48 million. It shares lengthy borders with Iran and Pakistan. And in 2001, a US-led coalition removed the Taliban from power following the 9/11 attacks. This was Afghanistan 4 months ago as the withdrawal began. The country's provinces looked like this, with most of the territory in grey, showing areas being fought over. Look at it today. Most of the country is under Taliban control in territory marked red. 1 year since the chaotic and deadly withdrawal in Afghanistan, what our team has now witnessed there. The Taliban celebrating in the streets, many with American-made weapons. And what they've also found. The babies malnourished, the women and girls who were bravely trying to demonstrate in the streets to get their rights back. And women forced to hide behind a veil, right back where they were 20 years ago. This weekend, a small group of brave women took to the streets demanding their rights. In one provincial capital after another, the Taliban are running up their colors and taking control. The speed of their advance has surprised almost everyone. These scenes would have been unimaginable just 12 months ago. But today, the Taliban is celebrating what they see as their victory over America and the West. Afghan people are less optimistic than they were about the government's ability to withstand the Taliban. And that could lead to people switching sides. And in one sense, that could reach a tipping point very soon. If the Taliban can be fought to a stalemate, negotiations might have a chance of brokering a power-sharing deal. But for now, at least, on the ground in Afghanistan, that isn't looking likely. इस्लाम में दो मेजर सेक्ट्स हैं, एक सुन्नी और दूसरे शिया। लेकिन इन दो मेजर फ़िरकों में भी बहुत से फ़िरके बने हुए हैं, जिनमें से एक फ़िरका देवबंदी मुसलमानों का है। और तालिबान बेसिकली इस्लाम की देवबंद आइडियोलॉजी में बिलीव रखते हैं। देवबंदी इस्लाम की शुरुआत 1867 में दो मुस्लिम उलमा मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और मौलाना राशिद मोहम्मद गंगोही करते हैं। ये दोनों बेसिकली नॉर्थ इंडिया की एक सिटी उत्तर प्रदेश में देवबंद मदरसे की बुनियाद रखते हैं। इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि ब्रिटिश इंडिया में मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के खिलाफ जिहाद किया जाए। 1870 से लेके 1880 तक बरे सगीर में मौजूद बहुत से नौजवान मुसलमानों ने इनका ये देवबंद मदरसा ज्वाइन किया। देवबंद मदरसा ज्वाइन करने वालों में से अक्सरियत पश्तून कम्युनिटी की होती है। 19वीं सदी में बेसिकली पश्तून अफगानिस्तान और सब कॉन्टिनेंट का साउथ वाला हिस्सा, जो आज पाकिस्तान कहलाता है, वहाँ अक्सरियत में रहते थे। अक्सरियत होने की वजह से पश्तून लीडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है देवबंद क्यूरिकुलम और देवबंद आइडियोलॉजी को साउथ एशिया में मुतारिफ करवाने में। और आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर टू में जब बरतानिया को शिकस्त मिलती है, तो बरतानवी गवर्नमेंट इतने बड़े एम्पायर को एक साथ मैनेज नहीं कर पाती, जिसके बाद 1946 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंटाइन एटले अनाउंस करते हैं कि ब्रिटिश विल लीव इंडिया बाय 1948। बट उस वक्त के कुछ हिंदू लीडर्स लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो इंडिया को अगले साल यानी 1947 में आज़ाद कर दें। वेल तो 1947 में पार्टीशन करवाई गई और हालात बहुत ख़राब होने लगे थे। फिर 1947 में पार्टीशन के नतीजे में सब कॉन्टिनेंट को दो कंट्रीज़ में तकसीम किया जाता है, एक पाकिस्तान और दूसरी इंडिया। पार्टीशन के बाद हिंदूज इंडिया जाने लगते हैं और मुस्लिम्स जो होते हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाने लगते हैं। तो तब जितने भी पॉपुलर देवबंद लीडर्स थे वो पाकिस्तान की जानिब रवाना हुए। उनमें से मेजॉरिटी ऐसी थी जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, वहाँ जाके मदरसे कायम किए। एक एस्टिमेट के मुताबिक 1967 तक दुनिया भर में 8000 के करीब देवबंदी स्कूल कायम हुए और हज़ारों मुस्लिम स्टूडेंट्स ने इन स्कूल से ग्रेजुएशन कर ली थी। इन तुलबा में से मेजॉरिटी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया से वास्ते रखने वाले थे। 1970 के अराउंड इनकी आइडियोलॉजी चेंज होने लग रही थी। इन्होंने दावा किया कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ लड़ेंगे। अब क्योंकि उन्होंने ये तय पाया कि वो जिहाद करेंगे जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होगा, तो 20वीं सदी में जिहाद करने के लिए आपके पास जदीद वीपन्स लाजमी होने चाहिए थे, जो कि उस वक्त इनके पास नहीं थे और ना ही इनके फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल थे कि वो खुद खरीद सकें। उनकी तकदीर तब बदलने लगी जब सोवियत यूनियन यानी रशिया ने अफगानिस्तान की इन्वेजन कर दी 1979 में।
इस इन्वेजन से मुसलमानों को बहुत हर्ट हुआ और मुसलमान खास करके देवबंद उलमा चाहते थे कि वो जिहाद करें रशिया के खिलाफ। रशिया ऑलरेडी एक कोल्ड वॉर रिवल था यूएसए का, तो यूएसए रशिया को हराना चाहता था, लिहाजा यूएसए ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया कि वो जिहाद करें रशिया के खिलाफ, तो अमेरिका उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा और पाक एजेंसी ISI और CIA मिलके मुजाहिदीन को तैयार करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरबिया ने भी देवबंद लीडर्स को सपोर्ट दी, क्योंकि सऊदी अरब देवबंद स्टूडेंट्स में सऊदी अरब अपनी आइडियोलॉजी यानी कि वहाबीज्म को प्रमोट करना चाहता था। अगर आपको वहाबीज्म के बारे में नहीं पता तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सबसेक्ट टू सुन्नी, जैसे देवबंदी एक फिरका है अहले सुन्नत का, वैसे ही वहाबीज्म एक फिरका है अहले सुन्नत का। जब ये अनाउंस होता है तो दुनिया भर के मुसलमान पाकिस्तान की जानिब रवाना होते हैं। पाकिस्तान के प्रोविंस KPK में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वीपन्स चलाना सिखाया जाता है और उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाया जाता है। वेल, फिर मुजाहिदीन को रशिया के खिलाफ जिहाद के लिए भेजा जाता है और 1989 में रशिया को मुजाहिदीन घुटने बल गिरने पे मजबूर करते हैं। इसके बाद रशियन ट्रूप्स अफगानिस्तान से गिव अप कर देते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। इस जिहाद में दो बड़े नाम दुनिया के सामने आते हैं जिनकी दुनिया भर में तारीफें होती हैं, और वो थे मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन। इवन एवरीबॉडी इंक्लूडिंग अमेरिका एडमायर्ड बोथ ऑफ देम। रशिया के चले जाने के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर होने लगती है। ये वॉर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में होती है। नॉर्दर्न अलायंस को अहमद शाह मसूद लीड कर रहे होते हैं। इंडिया, रशिया और ईरान ने इस नॉर्दर्न अलायंस को फुल बैक किया होता है, जबकि तालिबानों को उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी ने सपोर्ट दे रखी थी। यहाँ तक अमेरिका अब न्यूट्रल रहने लगा, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका था जो कि सिर्फ रशिया को हराना था। अब अगर नॉर्दर्न अलायंस वालों के हाथ में अफगानिस्तान का कंट्रोल आ जाता तो पाकिस्तान को खतरा था, क्योंकि उनको इंडिया ने सपोर्ट दी थी। अगर वो कंट्रोल हासिल कर लेते तो इंडिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाली साइड से भी अटैक कर सकता था, लिहाजा पाकिस्तान ने भी तालिबानों को सपोर्ट दी, क्योंकि तालिबान एक तो पाकिस्तान से अच्छे खासे वाबस्ता थे और दूसरा ये कि तालिबान के कुछ लीडर्स पाकिस्तान की सिटी पिशावर में मौजूद थे। लिहाजा इस सिविल वॉर में तालिबान नॉर्दर्न अलायंस को शिकस्त देते हैं और 1996 में अफगानिस्तान का 90% हिस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ से तालिबानों की हुकूमत शुरू होती है और मुल्ला उमर अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत के अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किए जाते हैं। अलबत्ता यहाँ से उनकी आइडियोलॉजी भी चेंज होने लगती है। उनके नज़रिए में औरतों को एजुकेशन देना, उनको आज़ादी देना इस्लाम के अगेंस्ट था, लिहाजा उनकी हुकूमत में औरतों को घरों तक महदूद रखा गया, औरतों को स्कूल में पढ़ने से और ऑफिस में काम करने से रोक दिया गया। अगर वो किसी औरत को बाहर बगैर हिजाब के देख लेते तो उनको सख्त से सख्त सजा देते। वो अपने दुश्मनों को पकड़ के गंदी मौत देते और ऐसे कई काम करते जिससे मासूम लोग जान बहक होने लगते। वेल, जब 9/11 अटैक हुआ था तो उसके बाद अमेरिका ने इन्वेजन शुरू कर दी थी अफगानिस्तान की। फिर 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रही और 2021 में फिर से तालिबानों ने रशिया के बाद एक और सुपर पावर कंट्री को अफगानिस्तान से भगाया। 2021 में जैसे ही इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने वही 1990s वाली आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया। औरतों को स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और तमाम जॉब्स से फारिग कर दिया गया। मारवा कुरैशी एक अफगानी फीमेल हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की थी और अफगान गवर्नमेंट की वजारत भी संभाली थी। वो कहती हैं, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी जिंदगी मेरे वालदेन से बेहतर होगी, पर अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी उनसे भी बदतर गुजरेगी। वेल, लेट्स कंक्लूड द मेन पॉइंट्स। 1867 में दो मुस्लिम उलमा बरे सगीर में देवबंद मदरसा की बुनियाद रखते हैं। इस मदरसे को बरे सगीर से कई नौजवान मुसलमान ज्वाइन करते हैं। देवबंद लीडर्स एंटी ब्रिटिश थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ उठना चाहते थे, उनके जुल्म के खिलाफ जिहाद करना चाहते थे। 1947 में अंग्रेज इंडिया से चले जाते हैं, पार्टीशन होती है जिसके नतीजे में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनता है जिसको पाकिस्तान का नाम दिया गया। देवबंद लीडर्स की अक्सरियत पाकिस्तान की जानिब माइग्रेट कर जाती है, पिशावर में जाके देवबंद स्कूल्स और मदरसा कायम करते हैं। 1967 की एक रिसर्च में बताया जाता है कि दुनिया भर में 8000 देवबंद स्कूल्स हैं जहां से हजारों देवबंद तुलबा व तालबात ने ग्रेजुएशन कर ली थी। 1979 में रशिया अफगानिस्तान को इन्वेड कर लेता है, जिसके बाद मुस्लिम्स रशिया के खिलाफ जिहाद करते हैं। 1989 में रशियन ट्रूप्स को मुजाहिदीन फोर्सेस हरा देती है। रशियन ट्रूप्स अफगानिस्तान से गिव अप करके भाग जाती हैं। 1994 से लेकर 1996 तक नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच सिविल वॉर होती है, जिसमें तालिबान जीत जाते हैं और 1996 की एक ग्रैंड असेंबली में दुनिया भर के 1500 उलमा मुल्ला उमर को अफगानिस्तान का अमीरुल मोमिनीन मुंतखब करते हैं। 11 सितंबर
2001 को अफगानिस्तान में बैठे अलकायदा के लीडर्स और ओसामा बिन लेडन अमेरिका पे अटैक करवाते हैं, फिर अमेरिका जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान को इन्वेड कर लेता है और 2021 में आखिर अमेरिका को भी घुटने टेकने पड़ते हैं और एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबानों की हुकूमत आती है। ये थी कुछ मुख्तसर तारीख तालिबानों की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जज़ाकअल्लाह।